नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हरियाणा स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने जिला शिक्षा अधिकारी को बैठक में नहीं पहुंचने पर किया निलंबित। प्रदेश में लिंगानुपात सुधारने के लिए हर प्रकार के प्रयास जारी हैं। आप देख रहे हैं कैथल पल पल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी राम कुमार को बैठक में नहीं पहुंचने के कारण निलंबित करने के आदेश दिए। वह जन स्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता तरसेम को कलायत में गली पाइपलाइन बिछाने में की गई अनियमितता के कारण चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। श्री विज ने लघु सचिवालय के सभाकक्ष में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में जिला भर के शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुन रहे थे। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और स्वच्छ सेवाएं मुहैया करवाने के लिए, उनकी उपलब्धता करवाने के लिए, मरीजों के उपचार की सभी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी अस्पतालों के निरीक्षण के लिए उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यालय के उच्च अधिकारियों को अस्पतालों के निरीक्षण के लिए दो दो जिले दिए गए हैं, जो निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को नियमित रूप से प्रस्तुत करेंगे। श्री अनिल विज ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद लघु सचिवालय के सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ साथ डॉक्टरों की भी भर्ती की गई है तथा आगे भी और अधिक भर्ती करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में है जिला के मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रक्रिया भी जारी है। इस दिशा में जींद, भिवानी, गुरुग्राम में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में प्रक्रिया जारी है। सर, मैं जाता हूँ, पता क्या करते हैं, जो अधिसूचना हो गया उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। उसमें एक इंच भी इधर से उधर नहीं हो सकता। मैडम, अब वो जवाब देगी बाद में, जो मैंने कर दिया। मैं शिकायत लगी हुई थी और शिक्षा विभाग का डीओ समेत कोई भी अधिकारी जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं था, इसलिए उसको सस्पेंड किया। इस तरह की किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जा सकती।